अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। तो आज हम टेस्ट राइड करेंगे जी होंडा सीबी 150F की। बिस्मिल्लाह, नाइन वन थ्री फाइव। पहले खोल ले। तो गाइस, आज मैं आपको होंडा सीबी 150F का रिव्यू देने वाला हूँ। रिव्यू तो मैं इसका बेसिकली कर चुका हूँ पहले। अब आज के जो रिव्यू है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ऑनर्स रिव्यू है, एक्सपीरियंस रिव्यू आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि मैंने जब इसका लास्ट रिव्यू किया था उस वक्त मैंने इसको अभी प्रॉपर चलाया नहीं था। मैक्सिमम 150-200 किलोमीटर चलाया था और उसके बाद मैंने इसका आपको रिव्यू दिया था। आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। ये रिव्यू होगा जी आफ्टर 7,700 किलोमीटर्स। मैंने इसको 7,700 किलोमीटर चला लिया है और आज के रिव्यू के अंदर हम बात करेंगे कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी लगी हैं। और इन फ्यूचर आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में भी मैं आपको सजेशन दूंगा। सबसे पहले तो हम खुली रोड पे चलते हैं और फिर फर्दर बात करते हैं, बल्कि यही रोड ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इस बाइक की कंप्लीट आपको डिटेल बता देता हूँ। ये है होंडा का CB150F। होंडा CB150F और इस बाइक की कुछ प्लस स्पेक्स की बात करें तो 150cc कैटेगरी का इस बाइक के अंदर आपको इंजन मिल जाएगा। एयर कूल्ड इस बाइक के अंदर आपको इंजन मिलता है। साथ में इस बाइक के अंदर आपको जो हॉर्स पावर मिल रही है इस बाइक की, वो अराउंड 10.5 से 11 हॉर्स पावर है इस बाइक की। तो इसके साथ साथ अगर हम इसकी टॉर्क की बात करें तो वो 13 से 14 न्यूटन मीटर इस बाइक की आपको टॉर्क मिल जाती है। टॉर्क वाइज इस बाइक का मुकाबला मैं नहीं कहूँगा कि किसी 150 के साथ है, क्योंकि 150 कैटेगरी में अगर किसी बाइक की टॉर्क सबसे ज़्यादा है तो वो इस बाइक की है। टॉर्क वाइज इस बाइक का मुकाबला नहीं है, लेकिन टॉप स्पीड वाइज मैं कहूँगा कि बहुत सारे इसके मुकाबले के हैं। बाकी अगर कुछ फीचर्स की बात कर लें, असेंबलीज में आपको डिपर मिल रहा है, असेंबलीज में किल स्विच जो है वो मिसिंग आपको मिलता है इसके अंदर। दूसरा, अगर हम इस बाइक के मीटर को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके मीटर के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर सब कुछ इसके मीटर के अंदर इंस्टॉल मिलेगा। और मीटर की अगर हम खूबसूरती की बात करें तो इससे खूबसूरत मीटर मेरे ख्याल में किसी और मोटरसाइकिल का नहीं है 150cc कैटेगरी के अंदर। दूसरा, इसकी लाइटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट पर आपको दो TRLs मिल रही हैं और साथ में इस बाइक के अंदर आपको जो फ्रंट हेडलाइट की लुक है वो बहुत प्यारी मिलती है। उसके साथ साथ इस बाइक की हेडलाइट के अंदर आपको 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब मिल रहा है और काफ़ी ब्राइट है और बहुत अच्छा है वो। लेकिन मैंने फर्दर इसके अंदर ये लाइट्स इंस्टॉल कराई हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं इसके साथ। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस बाइक के कंफर्ट लेवल को देखते हैं। अब मैं इस वक्त ना 40 की स्पीड में जा रहा हूँ। अगर मैं इसको 60 की स्पीड तक भी ले जाऊं अब ये इस वक्त है इसकी 60 की स्पीड, और ये बाइक 60 की स्पीड में भी बहुत स्मूथ है, बहुत कंफर्टेबल है। आप इस बाइक पे 80 की स्पीड तक इजीली आराम से सुकून से क्रूज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। साथ में इस बाइक के शॉक्स जो हैं फ्रंट पे, बैक पे, वो बहुत अच्छे हैं। शॉक्स का अभी तक मुझे मसला नहीं हुआ। मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो कंफर्ट लेवल में मुझे कोई मसला नहीं हुआ इसके अंदर। बाइक बहुत कंफर्टेबल है। बाइक के अंदर आपको शॉक्स फ्रंट पे, बैक पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो सीट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के कंफर्ट लेवल के अंदर। तो सीट बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। सीट इस बाइक की कंफर्टेबल है, चाहे वो राइडर के लिए हो या पिलियन के लिए हो, सीट इस बाइक की आपको कंफर्टेबल मिल रही है। इसके साथ साथ
बाइक जब आप थोड़ा सा स्पीड पे चलाते हैं तो बाइक ये इस तरह फील नहीं कराता कि अभी बाइक उड़ जाएगा, उड़ने से मुराद के झूल रहा है हवा में हाई स्पीड के ऊपर, नहीं इस तरह नहीं है। बाइक जो है वो कंफर्टेबल है और स्टेबल स्टेबल है। बाइक बाइक इस तरह इधर उधर नहीं जाता, हवा की वजह से इधर उधर नहीं होता। इसके अलावा कंफर्ट लेवल के अलावा अगर हम बात करें इस बाइक की मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस वाइज मैं अभी तक जो इसमें ऑयल यूज़ कर रहा था ना, वो था होंडा का। अभी मैंने इसमें ऑयल चेंज कराना है, इसकी ट्यूनिंग भी करानी है। तो इसमें जो मैं ऑयल यूज़ करूँगा अब वो हेवलिन होगा, हेवलिन 10W40, क्योंकि मैंने गलती से, मुझे पता नहीं था कि इसका होंडा का जो ऑयल है वो इतना कोई अच्छा खास नहीं है, तो मैंने वो 2 से 3 डब्बे लेकर रख लिए थे। अब मैंने वो फिर यूज़ तो करने थे, अब वो आखिरी डब्बा मैंने ख़त्म किया है और अब इसका ऑयल चेंज होने वाला है। तो अब मैं इसमें जो ऑयल डलवाऊंगा वो होगा हेवोलिन का 10W40, जो कि मैं अपने KPR 200 के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा, इस बाइक के अंदर जो खर्चा होता है मेंटेनेंस का, वो ट्यूनिंग का आपका मैक्सिमम 600 रुपये होता है, और ट्यूनिंग भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर ऑयल चेंज पे ट्यूनिंग करवाएं। अगर आप कराते हैं तो बाइक आपका ज़्यादा बेहतरीन चलेगा, ज़्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन बाइक को ज़रूरत नहीं होती। बाइक को 600 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर के बाद ज़रूरत नहीं होती ट्यूनिंग की। आप इस पे दो ऑयल चेंज तक आप इस पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट इसका जो ट्यूनिंग करवाई थी वो सेकंड ऑयल चेंज पे कराई थी, जब मैंने इसका सेकंड ऑयल चेंज किया था। अब मैंने उसके बाद ऑयल चेंज किया, मैंने ट्यूनिंग नहीं कराई थी, जस्ट ऑयल चेंज किया था और साथ में एयर फिल्टर वगैरह साफ़ हुआ था और कुछ नहीं। अब जो है, अब मैं इसका ऑयल चेंज भी करूंगा और इसकी ट्यूनिंग भी कराऊंगा, और बाइक फील नहीं कराता कि बाइक को ज़रूरत है ऑयल चेंज की, या बाइक को ज़रूरत है कि बाइक मसला कर रहा है, मिसिंग का इशू है कुछ या ऐसा इशू है। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होता इसके अंदर। बाकी जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाई हैं वो जो आप देख सकते हैं, ये लाइट्स हैं दो, ये इसमें मैंने लाइट्स लगवाई हैं। इसके अलावा ये जो है 4 इंडिकेटर का इसके अंदर स्विच है आपको, ये ये 4 इंडिकेटर का मैंने इसके अंदर स्विच इंस्टॉल करवाया, और साथ में ये लाइट्स का है। लाइट्स में आपको इसकी रात को इंशाल्लाह कभी टेस्ट कराऊंगा। इसके अलावा अगर बाइक के ऊपर कुछ और अच्छाइयों की बात करें, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो कंफर्ट लेवल। मैं इस पे इजीली क्रूज़ कर सकता हूँ और 40, 60, 80 की स्पीड में मैं इजीली फिर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। रोड ग्रिप का इशू नहीं है, मुझे अभी तक पर्सनली रोड ग्रिप का इतना इशू नहीं हुआ। हाई स्पीड के अंदर मुझे एक इशू फील हुआ है कि अगर मैं हाई स्पीड के ऊपर ज़रा ब्रेकिंग करूँ तो फ्रंट टायर जो है वो स्केट कर जाता है, वो सिर्फ फ्रंट टायर का ही इशू है, बाकी कोई और इतना इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, मेरा एक बार इसके ऊपर एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में ये बाइक जो है ये इस तरफ जाके गिरा था, तो इसका जो ये मिरर है इस पे स्क्रैच पड़ा हुआ है, फ्रंट जो इसका है उस पे आपको स्क्रैच मिल जाएगा। तो स्क्रैचेस ही लगे थे, कोई चीज़ टूटी नहीं थी इसके ऊपर। साथ में ना मैंने इसमें ना सेफ्टी गार्ड भी एक लगाया, भाई आप देख सकते हैं, ये इसका सेफ्टी गार्ड भी इसके अंदर इंस्टॉल है, तो बाइक में कोई इशू नहीं हुआ था मुझे। सिर्फ जो है नीचे गिरे थे हम, और बाकी कुछ नहीं हुआ था बाइक को, अल्लाह का शुक्र है कुछ टूटा नहीं था बाइक का। बाकी अगर मैं इसकी आपको पावर चेक कराऊं थोड़ी सी, तो
पावर वाइज ये बाइक मजे का है। अच्छा बीच में ना एक दो बम्प्स आया तो मुझे उसमें मसला नहीं हुआ, बाइक ने जो झटका लिया ना, क्योंकि इसके शॉक्स अच्छे हैं तो मोटरसाइकिल में कोई इशू नहीं होता। अच्छा भगाने के बाद ना मुझे एक मसला तो नहीं कहो, जब मैं इसको प्रॉपर इसकी गियर खींचता हूँ ना, उसके बाद जब इसको छोड़ते हैं एक्सीलेटर जैसे फ़ौरन छोड़ दें तो ना पटाखा बजता है इसके साइलेंसर के अंदर से, बस वो थोड़ा सा अनोइंग होता है, बाकी कोई इतना इशू नहीं है। इसके अलावा बाइक के अंदर जो मुझे इश्यूज़ फील हुए हैं उसमें सबसे पहले तो है कि कोल्ड स्टार्ट का इशू है इसके अंदर। अब वो शायद ऑयल की वजह से है, क्योंकि ऑयल जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो इतना अच्छा नहीं है, मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें मुझे कोल्ड स्टार्ट का इशू आया है। बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हुए काफ़ी मसला होता है, काफ़ी दफ़ा ये सेल्फ लेता है तब जाके ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट एक बार हो गया स्टार्ट, फिर बंद हो जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है, फिर बंद, फिर स्टार्ट, फिर बंद, ये इस तरह चलता रहता है। अच्छा इश्यूज में अब मैं जिस तरह मोटरसाइकिल चलाता हूँ ना, मुझे ये बाइक जो एवरेज दे रहा है वो तकरीबन 35 किलोमीटर पर लीटर, और 35-36 इतनी मुझे एवरेज मिल रही है, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं मिल रही, और वो भी मैं अपनी ख़ुद की रीज़न कहूँगा, क्योंकि मैं इसको जो है वो 60 से नीचे बहुत कम चलाता हूँ और मैक्सिमम 60 से ऊपर ही होता है। और दूसरा जो मैं गियर चेंज करता हूँ, गियर मैं हमेशा 5000 से प्लस चेंज करता हूँ, मतलब 6000-7000 रुपये के ऊपर जाकर मैं गियर चेंज करता हूँ, ये इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं गियर इसके जल्दी चेंज करूँगा तब भी मुझे जो एवरेज है वो अच्छी मिलेगी, कम आरपीएम पे मैं नेक्स्ट गियर पे शिफ्ट कर लूँ और फिर 60 की स्पीड में फिरूँ तब मुझे काफ़ी फ़र्क मिल जाएगा, लेकिन वो इस तरह बस करने का दिल नहीं करता आपके अंदर। इसके अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा या नहीं करूँगा, तो मैं जो है लाजमी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक को परचेज़ करें। बेनिफिट्स आपको जो इसके अंदर मिल रहे हैं वो ये है कि कंफर्ट लेवल बाइक का बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा बाइक की लुक बहुत ज़बरदस्त है, तीसरा अगर आप न्यू लेते हैं तो न्यू की तो जाहिर सी बात है आपको बहुत महंगा पड़ जाता है न्यू, लेकिन अगर आप यूज़ में परचेज़ करते हैं तो यूज़ में भी आपको अच्छी कंडीशन में ये 3-3.5 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा बाइक जो है स्मूथ चलता है, अगर आप इसको टाइमली ट्यून करवाएं, टाइमली इसकी मेंटेनेंस रखें तो बाइक में कोई इशू नहीं होगा आपको।